मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना रवाना होने से पहले नादौन विधानसभा क्षेत्र सेरा विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर भी पलटवार किया। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है, पहले उनके लिए एक महीना बजट का प्रावधान किया कि इनको हमने ओल्ड पेंशन देनी है। उसके बाद हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। इनकी तरह नहीं किया, हमने घोषणा कर दी देनदारियां देनी है कि अगली सरकार आएगी तो देते रहे। हमने अपने दम उस पर किया। जो भी हमारी योजना आगे आ रही है उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया जा रहा है, बजट के प्रावधान के बाद उस योजना को लागू किया जा रहा है। जल्दी एक योजना आने वाली है जिसमें हमने बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, हमने फैसलों में विश्वास करते हैं और फैसलों को अमली जामा पहनाने का दायित्व हमारा है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें कड़े फैसले करने पड़ेंगे। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो 11,000 करोड़ है वो देनदारियां हैं। देनदारियां भी कर्ज ही होता है, वो हमने ही देना है। तो हमको जब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और कर्जों को कम करना, तो उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए था। तब जब आपने 6th पे कमीशन लागू किया तो उनका एरियर देना चाहिए था, पहले पैसे का इंतजाम करना चाहिए था। डीए की किस्त की घोषणा कर दी, डीए में पैसे का इंतजाम नहीं कर दिया। आए दिन कर्मचारी हमारे पास आ रहे हैं कि हमें दीजिए, लेकिन फिर भी हम ये वादा करना चाहते हैं कि जो भी हम हिमाचल प्रदेश के हित में फैसले करेंगे, आम जनता के हित में फैसले करेंगे, गरीब जनता के हित में फैसले करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सोच पहुंचे उसमें फैसले करेंगे। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि ये परंपरा को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो ख़त्म करना पड़ेगा। वो आप दोष दे रहे कि पिछली सरकार के समय ऐसा हुआ था, वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय हमने देनदारियाँ पूरी की। उनके बयान आते हैं कि हमने जो संस्थान खोले थे हमने उनको शुरू किया। हमें संस्थानों को मजबूत करना है, कमज़ोर नहीं करना है नए संस्थान खोलकर। अब कोई हॉस्पिटल कंपाउंडर के सहारे चल सकता है? आपने CSC खोल दी, कंपाउंडर के सहारे खोल दी, और कोई रीजनल हॉस्पिटल खोल दिया, वहाँ से 2 डॉक्टर ट्रांसफ़र करके 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, चल सकता है? वो संस्थान भी गया और ये संस्थान भी गया। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने फैसला किया है कि जो भी होगा समाज के हित के फैसले होंगे, कड़े फैसले हमें व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए किए हैं। अब PWD के टेंडर थे जो 60 दिन तक टेंडर होता था, फिर सड़क का काम चलता था, फिर बरसात लग जाती थी, सड़कें हर साल छूट कच्ची हो जाती है एक साल में। इन सब दृष्टिकोण से हमने फैसला किया कि 20 दिन के अंदर काम करिए और 1.5 साल के अंदर सड़क का कंप्लीट करिए। और भी कई परिवर्तन आ रहे हैं, मूल चूल परिवर्तन करने की इस व्यवस्था में जरूरत है अगर आपने हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुनहरा बनाना है। मैं किसी क्षेत्र की राजनीति में विश्वास नहीं कर सकता। ये बात सही है कि कांग्रेस से 40 साल बाद हम मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, तो मेरा चाहे शिमला है, चाहे सोलन है, चाहे सिरमौर है, सभी क्षेत्रों में मेरे अपने साथी है। मैं संगठन के साथ रहा हूँ और संगठन की भूमिका में रहा हूँ। जब भी जीवन काल के जिस भी युवा पीढ़ी में पहुँचा उस समय मुझे ये सारी चीज़ें मिली है। तो मेरा काम हिमाचल प्रदेश में समान विकास का है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का।